मोमनाली चैनल। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। और फाइनली आज वो वीडियो आ गई है जिसका सबको था इंतजार, हॉस्पिटल बैग की। आज मैंने सारी पैकिंग करनी है अपनी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं 2 दिन मेरे हॉस्पिटल जाने में। तो मैंने सोचा कि पैकिंग क्यों ना पैकिंग की जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम है। वैसे तो जल्दी पैकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। तो बस ये सारा कुछ, मतलब सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है, लेकिन पैकिंग करने से पहले कुछ चीजें रह गई हैं जो मैंने लेने जानी है, वो अभी तक नहीं ली हुई। वो मेन चीजें हैं 2-3। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि अली के साथ जाती हूँ, वो चीजें लेके आती हूँ, फिर वापस आकर दोबारा पैकिंग करते हैं, क्योंकि रास्ते में नोल को भी लेना, वो स्कूल गई हुई है। तो बस अब चलते हैं, उसके बाद आके फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ पैकिंग कौन करवाएगा ये आपको बाद में आके मैं दिखाती हूँ। आज पैंपर्स के लो। चले जी, घर आ चुकी हूँ मैं पैंपर वगैरह लेकर। अनमोल भी आ गई है स्कूल से, और अनमोल ने कहा है कि मैंने भी बैठना है, मम्मा पैकिंग करनी है। और मेरे साथ हुको भी बैठ गई है पैकिंग करने के लिए। मैंने सोचा कि हुको से पूछ पूछ के स्मार्ट, मतलब कपड़े वगैरह रखूँ क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम बैग निकालते हैं जिसमें हमने सब कुछ डालना है। अब आप लोग सोचेंगे कि मोमना को कुछ नहीं आता, फर्स्ट टाइम मोमना ने कुछ नहीं की थी पैकिंग। मेरा फर्स्ट टाइम भी हुको मेरे साथ ही जब मैंने हॉस्पिटल बैग बनाया था, तो इस दफा भी मैंने हुको को साथ ही रखा अपना ये हॉस्पिटल बैग बनाने लिए, जो जो चीजें ऐड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये वाली चीजें रखनी है ना, मेन जो होती है। तो ये सारी रख दूं, कितनी रखूं? ये मरियम सिस्टर ने मुझे सब कुछ वॉश करके दिया है, बेबी के लिए जाके वॉश करके यूज करना है। ये बताए कितनी है? सारी रख लूं? और ना मैं ये पैकेट में ही रख रही हूँ ताकि ना मिक्स ना होता ना। ठीक है, ये देखें सबसे पहले जी, ये जाती है अपने आन। और सॉक्स यही वाली बस रखने हैं, वैसे मेरे ये भी है ना सॉक्स, ये वाली भी सॉक्स है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो मरियम सिस्टर वाली है ना, ये वाली सॉक्स रख लेते हैं हॉस्पिटल के लिए चारों। ये फिर जब घर आएगा ना तब हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, ये वॉशिंग है, भी यही वाली रख लेते हैं। सब कुछ कॉस्ट होगा, वैसा करते हैं सारी पैकिंग में। चलो रखो। और ये माशाल्लाह वाली कैप लाजमी पहनानी है, मरियम सिस्टर ने स्पेशल कैप, आप पहना देना फिर। ठीक है ना, नहीं मैं बनाऊंगी, आप बनाओगी, सारा कुछ इससे करना है। चलें, अब बारी आती है कपड़ों की, कपड़े कौन से रखे हम लोग, तो मुझे कपड़ों का आप बताए। आप भी बताओगी? ये देखे, ये वही रखनी है, ये दो रखनी है। कौन सा, ये वाइट वाला? चले दो ये भी रख लेते हैं पैकेट में, ये भी रख लो। अच्छा, ये वाला सूट रखना है, और ये भी है, ये देखें ये, और ये सारे हैं, ये सारे ये देखो, ये तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम पहले दिन क्या पहनाएंगे जब पैदा होगा। फर्स्ट डे। अच्छा, ये वो वाले है ना जो आमना ने दिए थे, ये वाले अभी रखे ही रहने दें, घर नहीं रहने दिए। ये वाला बड़ा है ना, और एक ये वाला भी आप इसका क्या करना है, ये घर में आके पहन लेंगे, घर में आके हॉस्पिटल रहने दें। अच्छा, और कौन सा? और ये वाला रोमपर, ये भी रहने दे, ये भी घर आके चलने सही है। और ये वाले सूट देखेंगे कौन से रखे हैं, ये भी शीट रखनी है ना, ये शीट तो बहुत अच्छी है, शीट रख देते हैं। ये भी इधर ये फूलों रहने देते हैं, ये शीट रख लो, ये शीट रखनी है साथ ही। ये इनको, और ये रखना, ये कंबल, हाँ कंबल भी रखते हैं। ये देखो चावल की जरूरत पड़ेगी, ये चावल है ना, ये देखो, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं बच्चे को नहीं नहलाते हैं ना, तो टावर रहने देने घर आके जब फ्रेश नहलाएंगे हम फिर यूज करेंगे ये टावर। एक ही है जी कंबल, ये एक कंबल हो गया, एक सारी शीट हो गई ना, ये वाली रैपिंग शीट हो गई। ठीक है,
ठीक है, इसके अलावा कोट भी तो है ना साथ। हाँ। कोट भी है, कोट भी रख दे। ये रखना जी, ये सूट कितने रखने हैं मुझे बताएं। एक ये वाला हो गया, ये हैंगर से उतार दे। जी हैंगर से उतार, ये भी पैकेट में डाल दें कपड़े। दिखावा मोर करो, ये वाला सूट ये भी पैकेट में डाल देते हैं। इसको भी पैकेट में डालते हैं। चले जी, यहाँ पे क्या कौन कौन सूट डिसाइड हुआ है? दो ये और एक ये भी चीज हुआ है कवर करने के लिए, मरियम सिस्टर ने दी थी ब्लू कलर की, ये भी रख लेते हैं क्योंकि हॉस्पिटल दूर है ना, आना जाना नहीं होगा है ना, ऐसे ही है ना, तो ज्यादा सामान रखना है हमें। और कौन सा सूट रखना है? अरे टोटल कितना सूट रखे हैं? तीन रख लेते हैं। ये ना कम कर दे। नहीं, और ये रुमाल। हाँ ये रुमाल भी। अब आप लोग सोचेंगे कि रुमाल क्या करने हैं। रुमाल हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना उसके सर पे बांधते हैं, सर बनाने के लिए रुमाल बांधते हैं, तो हमने चार रखे हैं, चार रुमाल रखे हैं। चलो सही है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। सूट एक और रख लो। और कौन सा रखना है? सेम में तो देख लें, ब्लू वाला रख लें। ये वाला ये रख लें, ब्लू ये है। चलो तो हो गए, इनको भी पैक करते हैं। अब देखते हैं तीनों सूटों में से सबसे पहले कौन सा पहनाएंगे हम पहले दिन पैदा होगा जब। और ये चेंज करने वाली शीट भी है पैंपर चेंज करने के लिए, ये वाली रखें कि ये वाली रखें? ये वाली सही है, वो सही है। हाँ, वो घर आके फिर यूज कर लेंगे। उसके अलावा फेस टॉवल्स भी रख लेते हैं। सारे रख लो कि दो सही है? नहीं दो रख लो, तो तीन रख लो। तीन रख लेते हैं, सारे की जगह कम हो जाएगी। यहाँ से दो फेस टॉवल निकालते हैं, इस तरह रोल रहे हैं, इसको मैं ना बीच में डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे एक और रख लो, एक और रख लो, तीन कर लो। मैं ना कुप्पू को साथ साथ दिखा रही हूँ, सारा कुछ कुप्पू नहीं करना, मुझे तो पता नहीं होगा क्या क्या है कहाँ पे कैसे, सारा कुछ सेट करके रख रहे हैं। ये भी हो गया, उसके अलावा हम इनमें से पाउडर निकाल लें। ये मैंने खा लिया पाउडर, मैंने है ना पाउडर। चलो ये रख लो, इसको यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे। चलो, और ये क्या है? ये लोशन है, ये ऑयल है, ये सोप है। तरह से ये चीजें भी यूज नहीं होंगी। ये लोशन रख लो, लोशन रख लेते हैं और पाउडर रख लेते हैं। और ये मैं पाउडर लेके आई हूँ जब पैम्पर लेने गई थी ना रैशेज के लिए, क्योंकि बच्चे ना मतलब अनमोल के टाइम भी यही यूज करते थे, बच्चे को रैशेज ना होते तो कभी मैं यही लेके आई हूँ। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं पाउडर। चलो इसको साइड पे करते हैं, इनकी अभी जरूरत नहीं है। उसके अलावा जी शीट भी हो गई। अब रह गए जी वाइप्स और पैम्पर्स। पैम्पर्स कितने रखे हैं? पैम्पर्स तो ओपन करके रखने पड़ेंगे। कितने हैं पैम्पर्स? हैं 44 हैं। कितने के रखे हैं? 8 रखे। 8, क्योंकि दो दिन रहना है ना। 8 पैम्पर्स। कितने अनाउंस काउंट करो, दादा को दिखाओ। 2 देखो, 8 हो गए। नहीं ज्यादा ही हो गए, 5 ज्यादा ही हो गए। चलो रख लो, इतने रख लो। कितने कितने हो गए? देखो 10 हो गए। 10 तो है, कोई नहीं है, 10 ही सही है। पीछे रख लेते हैं, आ जाएंगे ना इसके अंदर। जी आ जाएंगे। इसको ना कोई शॉपर नहीं है, लेदर रख दो। हां, इसमें इसको लेदर पैकेट में डालते हैं। चलो जी, ये लास्ट चीज हो गई पैंपर्स। ये रेडी है बैग। चले जी, हॉस्पिटल बैग रेडी हो गया है माशाल्लाह से, खैर से। आप लोग दुआ में याद रखें कि सब कुछ खैर से हो जाए। स्पेशल दुआ में याद रखें, ख्याल का वक्त आए और सब कुछ खैर से हो, सब कुछ खैर से हो बस, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। अनमोल के टाइम इतना ही डरी थी, इस दफा ज्यादा डरी हुई हूँ। बैग ही बंद हो रहा, सामान ज्यादा ही हो गया। चले जी, रेडी हो गया है हमारा बैग। चले जी, बेबी हॉस्पिटल बैग रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब बस जो बेबी की पैकिंग तो सारी हो गई है, उसके अलावा जो मेरी पैकिंग है वो मैं अपनी पैकिंग बाद में करूंगी, और अनमोल की पैकिंग भी करनी है। जाहिर सी बात है अनमोल हमारे साथ जाएगी, क्योंकि वो घर में अकेले नहीं रहती, तो बस उसकी भी पैकिंग करेंगे। वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करी, सिर्फ मेन चीज बेबी की थी जो पैकिंग करनी थी। मैंने अपना रेडी करूंगी, सब कुछ रेडी करूंगी, उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हॉस्पिटल की होगी, तो आप सब लोगों ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है, और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआएं करूंगी। जिस जिसने मुझे दुआ का कहा है ना स्पेशल, तो उनके लिए मैं सबके लिए दुआ करूंगी।
आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे ढेर सारी दुआएं देनी है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह हॉस्पिटल वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। तो बस अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल वाली, उसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।